अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशल परदेशियों के नाम और वो परदेशी जिन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जो मेरे इलाके से जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हैं, मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं। जनाब मेरे प्यारे भाई और मेरे भनोई जनाब हाजी अल्लाह यारसऊ साहब, मेरे मुँह बोले भाई साहब गुजर साहब, मेरे बड़े भाई और मेरे हमसाए जनाब हाजी सजाद गुजर साहब, मलिक असगर हिसाम साहब, मलिक राशिद मडल साहब और उनके अलावा जितने भी मेरे दोस्त इस वक्त आउट ऑफ कंट्रीज हैं या आउट ऑफ सिटी हैं वो भी परदेसी होते हैं। तो परदेसियों की क्या ज़िंदगी होती है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और मैं परदेसियों के दुख दर्द को खूब समझता हूँ और जिस तरह से हमें मुश्किल पेश आती। चले हम तो पाकिस्तान में हैं, अपनी कंट्री है, यहाँ पर थोड़ी सी आसाइशें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर माहौल है और कोई मसला हो तो हम जल्दी घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जो मेरे दोस्त आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं उनके ईद पर क्या तासरात होते हैं, किसी जब गांव में कोई उनकी फैमिलीज़ में कोई शादी खुशी होती है या कोई गमी आ जाती है तो उनके क्या तासरात होते हैं ये ना मैं बता सकता हूँ। ये फीलिंग्स वो लोग महसूस कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों को खराज तहसीन पेश करना है और तमाम परदेशियों को जो कि आउट ऑफ कंट्री जो मेरे पाकिस्तान के तमाम दूसरे मुल्कों में हैं उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और यकीनन आपको हम बहुत मिस करते हैं, इलाके वाले आप लोग मिस करते, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि आपके ज़रिए मुबादला से जो है आपके घरों और आपके जो है इलाके की तरक्की में आप लोग अहम किरदार अदा करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है और आप तो अब हमारे अपने हैं और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप लोगों को तो अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, परदेश में आप लोग हमेशा खुश रहें। और मैं जानता हूँ कि बच्चों की याद ज़रूर आती होगी और इंशाल्लाह कोई परदेसी ना थी वे, ठीक है, अल्लाह घर वल्ला वे परदेसी अल्लाह वतना ते रोज़ी देसी, ये कहने की बातें हैं। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के जो है हालात अच्छे करे। लेकिन एक बात ज़रूर मेरे लिए आप एक बात तमाम लोग जहन में रखिएगा, साहब साहब और बाकी तमाम दोस्त, कि जब भी आप खाना कहाँ पर जाएगा मेरे लिए दुआ ज़रूर करें और जहाँ जहाँ भी हैं मेरे लिए और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ और आप लोग तमाम तमाम खुश रहें। इंशाल्लाह जितने भी दोस्त वापस पाकिस्तान आएंगे जब जब भी आएंगे इंशाल्लाह कराची एयरपोर्ट पर मैं आप सबका इस्तकबाल करूंगा, आपका छोटा भाई, आपका अपना मोहसिन, आपका हमदर्द और आपके इलाके का तर्जुमान। एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरी सोच होती है कि सबको साथ लेकर चलूँ, सब इलाके वालों को साथ, इलाके की तरक्की में आप लोग का अहम किरदार है। तो मेरी तरफ से तमाम भाइयों को एक दफ़ा दिल से सलूट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा सलामत रखे।